आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए न्यू अपडेट। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। तो मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे इस बार बीए बीएससी बीकॉम में हैं तो उनके लिए बड़ी न्यू अपडेट निकल करके आई है। तो शुरू करते हैं। देखिए, स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएँ इसी माह होंगी, परिणाम अप्रैल में। यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 2021 में, जो बीए थे, बीएससी वाले थे, बीकॉम वाले थे, तो उन्हें जो है सेमेस्टर प्रणाली में लागू कर दिया गया। यानी कि साल में दो बार एग्ज़ाम उनके होंगे। तो इसी बार से लागू हुआ, तो सिर्फ फर्स्ट वालों के लिए नहीं लागू है बात, ठीक है ना। तो इसी यानी कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए मात्र 10 या 12 दिन का समय मिलेगा, और इसी माह के अंत तक एग्ज़ाम भी होने हैं, और आपका जो परिणाम आएगा वो अप्रैल में आएगा, ठीक है। तो ये जो अपडेट आई है, ये अमर उजाला की जो 4 मार्च 2022 अमर उजाला की कटिंग है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, रुहेलखंड विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी माह होंगी, परिणाम अप्रैल में जारी होंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि किसी भी हाल में शिक्षित सत्र लेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्नातक व परस्नातक के बचे विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी अप्रैल में ही विश्वविद्यालय शुरू करा देगा। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म दो से या तीन दिन में भर सकेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। इनकी परीक्षाएँ भी इसी माह में खत्म हो जाएंगी, अप्रैल माह में परिणाम जारी हो जाएंगे। आगे देखिए न्यू अपडेट है, परीक्षा में शामिल होंगे 80,000 से अधिक विद्यार्थी। कितने? जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 80,000 कम से कम विद्यार्थी शामिल होंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए कितने कॉलेज हैं, कह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 563 कॉलेजों के 80,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये 9 जिलों में कॉलेजों में पंजीकृत हैं। परीक्षा ऑफलाइन होगी। मालूम हो कि पिछले साल कोरोना के कारण विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था, परीक्षा पूरी प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन इस बार आयोजित हो रही है। और देख सकते हैं क्या है, देखो रुहेलखंड विश्वविद्यालय 2 या 3 दिन बाद परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी 2-3 दिन बाद जो परीक्षा एग्जामिनेशन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे, और मात्र 2 या 3 दिन का समय मिलेगा, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और इसी माह के अंत में आपके एग्ज़ाम होना अनिवार्य है। तो देखिए फिर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण परीक्षा फॉर्म में हुई देरी, या राष्ट्रीय शिक्षा जो नई नीति है उसमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण इस बार स्नातक के दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया। इस प्रणाली के कारण विश्वविद्यालय नीति बनाने में उलझा रहा, बेमुश्किल परीक्षा नीति बनाई गई लेकिन परीक्षा फॉर्म आज तक नहीं भरवाए गए। एक ही प्रश्न पत्र होगा, पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट के 2 प्रश्न पत्र होते थे, इस बार क्या होगा, एक सब्जेक्ट का एक ही प्रश्न पत्र होगा। विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार होगा कि परीक्षाएं इतनी गति से शुरू होंगी और जल्द खत्म होंगी। हालांकि इसका तर्क दिया जा रहा है कि विज्ञान, कला, वाणिज्य यानी कि साइंस वाले, कला वाले और जो वाणिज्य वर्ग है, कॉमर्स वाले विद्यार्थियों में एक एक ही प्रश्न पत्र होंगे, अलग अलग प्रश्न पत्रों का निर्धारण नहीं होगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के अलावा द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ इनके बाद होंगी। स्नातक की परीक्षाएँ भी अप्रैल माह में शुरू कर जाने की तैयारी है। तो यह न्यू अपडेट थी, 2 या 3 दिन में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म चालू हो जाएंगे, और अपने सभी बच्चे तैयारी में लग जाएं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।